सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में पूछे गए मैथ्स के सेट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज फॉर अ पॉलीनोमियल पी एक्स वेयर ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स इज गिवेन इन द फिगर 1 इज क्या। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में हम लोग x के कितने जीरोज देख रहे हैं, तो देख सकते हो आप x एक्सिस को यह कर्व जो है कितने जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तो ये ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी 5। फर्स्ट टर्म बोले तो ए जो है मेरा 5 है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म 45, दैट मीन्स एन जो है वह इक्वल टू है 45 के। एन को कभी कभी हम लोग एल भी बोलते हैं लास्ट टर्म। और साथ ही दिया हुआ है सभी टर्म का जो सम है वह 400 है, यानी कि एस एन जो है वह है 400 और लास्ट टर्म पता होता है, तो हम लोग एस एन बराबर क्या जानते हैं, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन वह इक्वल टू कितने हैं, तो 400 के। एन नहीं पता, एन बाई 2 इंटू ए तो पता है हमें, फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म भी पता है 45 इक्वल टू 400। तो देख सकते हो आप यहाँ से एन बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 400। एन बराबर 400 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में है वो चला गया डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो चला गया मल्टीप्लाई में, 0 0 कैंसिल, ये 8 और एन बराबर आ जाता है 8 16 यानी कि 16। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3, इट इज बिगेन गिवेन दैट द पॉइंट्स ए इतना, बी इतना और सी इतना आर कोलिनियर। जब कोलिनियर होते हैं तो एरिया 0 होते हैं ना ट्रायंगल के, तो हम ट्रायंगल का एरिया जानते हैं हाफ, ये नहीं जानते एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 into y1 माइनस y2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है ना, अब वैल्यू को पुट कर सकते हैं 1/2, x1 के जगह पर आप क्या देख सकते हैं तो 1 है, y2 के जगह पर आप क्या देख रहे हो तो 0 है, माइनस y3 के जगह पर क्या देख रहे हैं आप लोग, b है ना, हाँ b है, ठीक है, प्लस x2 की जगह पर क्या है मेरा वैल्यू, 0 है। तो चलिए इसका कहानी खत्म, 0 ही हो जाएगा, तो लेने से कोई फायदा नहीं। x3 की जगह पर आप क्या देख रहे हो, x3 a है, इंटू y1 माइनस y2, y1 की जगह पर आप क्या देख रहे हो, 2 देख रहे हो, और y2 की जगह क्या देख रहे हो आप, 0 देख रहे हो, और वो बराबर किसके, 0 के। तो ये 2 जो है डिवाइड मल्टीप्लाई के 0 देगा रिजल्ट, यहां से क्या निकल के आएगा, माइनस बी प्लस क्या देख सकते हो 2a बराबर 0, दैट मीन्स 2a बराबर माइनस बी रहा है तो प्लस बी, यानी b बराबर क्या हो गया 2a और b बराबर 2a, दैट मीन्स ऑप्शन b राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें फाइंड करना है क्या चीज, PTQ मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो आप मतलब सर्कल चैप्टर जो पढ़े होंगे तो इसमें जानते होंगे ना कि ये 90 होता है, ये 90 थ्योरम जो हम लोग पढ़े होंगे थ्योरम 10.1 उसके थ्रू, ठीक है ना, तो ये 90 ये 90 तो क्या हो जाएगा 180 हो गया, और ये कितना था 15 था, तो ये दोनों को ऐड करके मेरा क्या है क्वाड्रिलेटरल है, तीनों चारों एंगल का सम हो जाएगा 360, दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है यहाँ से 5 डिग्री, और ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 295, 360 में से 295 डिग्री को हम लोग कर देंगे माइनस, तो 10 में से 5 गया तो 5, और ये हो जाता है कितना 15, 15 में से 9 गया तो 6, यानी 65 ऑप्शन डी राइट होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट एक क्यू है, देखिएगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पे जो टेंजेंट है वह टेंजेंट का जो लेंथ है वह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वह है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालना है सर्कल का। तो आप लोग ये थ्योरम पढ़िए हैं 10.1 में, क्या जानते हैं 90 डिग्री मतलब यह हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइट निकालना है, तो बहुत सिंपल सा बात, रूट अंडर
8 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का 25, माइनस कर दीजिए, क्या देगा रिजल्ट आपका 9, और ये हो गया 5 में से टू गया 3, 39 अंडर रूट, ऑप्शन सी राइट होगा। यह क्वेश्चन नंबर 4 था, सो हाँ 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही था, उसका और था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉस, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा बराबर है यहाँ साइन 30 डिग्री, थीटा फाइंड आउट करना है, तो कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा, और इस 30 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 में 60 आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, तो देख सकते हैं आप कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला बोलता है कॉस थीटा, थीटा की जगह देख रहे हैं 60, कॉस से कॉस पंगा लिया, यहाँ से बच गया क्या चीज थीटा, बराबर जाएगा 60 डिग्री प्लस 10 इधर आया तो माइनस 10 डिग्री, दैट मीन्स आ जाएगा अपना आंसर 50 डिग्री, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या, कि ए बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक और 7 व्हाइट बॉल है, टोटल बॉल देखिए 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट मीन्स क्या 15 टोटल बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रेंडम, अचानक से निकाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं हो तो ब्लैक बॉल 5 है, इसमें से 5 बॉल चला जाएगा, बच जाएगा 10, ब्लैक बॉल नहीं आना 10/15, और ये 2 और ये 5 यानी कि 3, 5 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स यानी 2/3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 काफ़ी बेहतरीन है और इसमें बच्चे कंफ्यूज किए होंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू -6 का भी पॉसिबल है कि वाई का दो वैल्यू आ जाए, एक ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशन है और एक्स वाई जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स का एक ही वैल्यू प्राप्त होता है, वाई का भी एक वैल्यू प्राप्त होता है हमें, तो इस स्थिति में ऑप्शन बी राइट होगा, नो सॉल्यूशन इसका होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टली, मतलब हम लोग को पता है मीन पता है 14 और मीडियन पता है हमें 15, तो हमें निकालना है मोड, तो मोड के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते होंगी, मोड बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन, तो 3 मल्टीप्लाई मीडियन की जगह पर 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या देखेंगे, मीन की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 14, तो यह आ जाता है 45 और माइनस 28 घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 17 नहीं, तो ऑप्शन सी इसका होगा राइट, सॉरी ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, इसका बोला है रियल रूट निकालने के लिए, तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि हम निकालते हैं डी, और डी जब ग्रेटर होता है 0 से, जब बड़ा होता है तो रूट रियल होता है, और हम इस कंडीशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, तो बी की जगह पर आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 4ac 4 इंटू ए की जगह पर मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं 1, और सी की जगह पर आ जाता है मेरा के, और यहाँ पर आ जाता है 16 माइनस 4k, ठीक है ना, वो 0 कर देते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से हम k का वैल्यू जो निकालेंगे तो हमें k क्या निकल गया, 4k बराबर 16 और ये कितना से कट गया 4 टाइम्स, तो k बराबर आया हम लोग को 4, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी k का जो वैल्यू होगा वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या चीज़ है क्वेश्चन, कि पॉइंट पी ए बाई एट है पॉइंट, पी और 4 है, चलिए चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन, मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट को मिलाने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है, और हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो मेरा ये x1 प्लस x2 बाई 2 a बाई 8 हो गया, बराबर देखिएगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 का वैल्यू कितना है माइनस 5 प्लस x2 का वैल्यू मेरा कितना है 4 बाई 2, चलिए इस चीज़ को हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, तो a बाई 8 इक्वल्स टू क्या देगा रिजल्ट, देख सकते हो माइनस 1 बाई 2,
ये 4 टाइम्स कैंसिल, दैट मींस ए बराबर आता है -4 और ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स, देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्या है, 2 + √5/3 कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इजी क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इसका एरिया पता है हमें, तो एरिया देखिए ना 81 और बाई है इतना, तो साइड क्या होता है, अंडर रूट इसका कर देंगे तो साइड निकल जाएगा, तो 9y क्या देगा 12। अब यहीं बच्चा के फंसेगा, यहाँ देख सकते हो ई एफ जो है 24 है, ध्यान देखिए इसका 2 गुना है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, तो 9 × 18 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा फिर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉमा बी एंड -a, b, तो डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की जगह पर क्या है, किसी को पहले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, b - माइनस प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, बात तो वही आना है, तो रूट अंडर 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर करके दिखाते हैं, तो 4a² प्लस 4b² अंडर रूट में आएगा, 4 कॉमन ले लिए, a² प्लस b² अंडर रूट यानी कि 2√a² प्लस b², तो यही मेरा होगा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1 होगा, बिल्कुल सही है, वो कैसे, तो इस चीज को भी हम दिखा रहे हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास 10a = 1 है, चलिए यहाँ पे करते हैं हम सॉल्व, मेरे पास है कि 10a जो है 1 के बराबर, और 10 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, PBH, तो 1/1 ही है, ठीक है ना। तो हम लोग को नहीं पता हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या देगा √√2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं निकालना है 2 sin a और into cos a का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, यही ना होता है। देखिएगा 2 मल्टीप्लाई, तो p के जगह परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा 1 ही होगा, और हाइपोटेनस मेरा क्या आएगा √2 ही आएगा, मल्टीप्लाई b मेरा क्या होगा बेस भी 1 होगा, हाइपोटेनस क्या होगा √2 होगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2/2 कैंसिल होकर क्या रिजल्ट देगा 1, तो 14 का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इजी क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल मेटल बॉल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू मेक 8 स्मॉलर, और इसको पिघला के हम लोग को क्या करना है, गला के इसको क्या करना है, पिघला कर 8 छोटा छोटा गेंद बनाना है, तो छोटा छोटा गेंद बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ जो होगा वो अब जो बड़ा बना था उसी के इक्वल होगा, तो इसका अभी वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr के जगह पर 8 × 8, ठीक है ना। अब देखिए 4/3 π से 4/3 πr कैंसिल, ठीक है, एक 8 से एक 8 कैंसिल हो गया, अब क्यूब को देगा तो बनेगा क्यूब रूट, तो 8 × 8 हो गया, ठीक ना। तो आप यहां से देख सकते हो 3√64, ठीक है ना, क्यूब 64 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 = 16 + 64 यानी कि 4, तो 4 हमें क्या निकल के आ गया है, इसका रेडियस पूछा क्या जा रहा था, छोटका का रेडियस हुआ क्या होगा, तो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, गिवेन दैट HCF 135 = 45 LCM फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं ना LCM × HCF इक्वल टू होता है 2 नंबर का मल्टीपुल, तो 2 नंबर यानी 135 × 445, तो LCM हमें नहीं पता है, इसका LCM निकालना है, तो LCM को LCM में छोड़ दिया, मल्टीप्लाई HCF की जगह पुट कर देते हैं 225 है, ठीक है ना, 225 देखिएगा LCM निकालना, तो LCM इज इक्वल टू 135 × 225 जो सट्टा सो जाएगा बट्टा है 45, और 45 से ये कैंसिल कर दे, इसे काटते हैं तो 5 टाइम्स से कैंसिल, अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 25 के 5 हाथ में रहा 2, अब 5 × 5 = 15, 2 = 17 हाथ में रहा 1, 5 × 6 = 675 हो जाएगा, इसका आंसर 675 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी क्वेश्चन है, इस फिगर में हमें क्या निकालना है, ये रोप पता है और हमें पोल का हाइट निकालना है, तो देखिए
ये कम्बिनेशन किसका है, साइन का होता है ना, साइन थीटा बराबर होता है ना पी बाई एच, और थीटा के जहाँ पर मेरा कितना 30 डिग्री है, तो साइन यहाँ पर पुट करते हैं 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हाइट हमें फाइंड आउट करना है ए बी, और बेस क्या है 20 मीटर। तो देख सकते हैं टेन थर्टी सॉरी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू ए बी बाई 20, ये 10 टाइम्स कैंसिल, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो ए बी बराबर क्या देगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर में है यूनिट, तो मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, टू डाइस आर थ्रो सिमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13, जो कि 13 कभी आ ही नहीं सकता है। अगर आप देखो कि पेयर में तो 6.6 जो आ रहा है उसका भी सम कहता है 12, 13 आएगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग को लिखना है टर्मिनेटिंग रूप में, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, इसका जो फॉर्म है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा। तो जब टर्मिनेटिंग होगा तो बोला क्या जा रहा है, मतलब इसको पॉइंट के बाद लिखना है, इसके पॉइंट के बाद कितना शिफ्ट करेगा पॉइंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो कैसे करे, तो चलिए देखते हैं। 229 बाय थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 7, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को बैलेंस करना होता है, देखिए मल्टीप्लाई पेयर पुराना है, यहाँ पर कितना घट रहा है मेरे पास 2 to the power अगर 5 कर दे तो देखिए ये भी अभी 7-7 हो जाएगा, तो बात बन जाएगा 2 × 5 करने पर 10 आ जाता है, कितना आसान हो जाता है। तो मैथ में काबिल बनने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा काबिल बनिए, नीचे अगर किए तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। तो 229 है, मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 कीजिएगा, देखिए ना 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 = 4 × 2 = 4 4 × 16 देखिए 2 × 4 × 2 = 4 4 × 16 = 32 तो 32 अब बट्टा में, अब देखिए क्या हो जाएगा। सो यही तो दिमाग लगाना है, 2 × 5 मिलके देता है 10, ऐसा सा कितना पेयर था मेरे पास, 7 पेयर था ना, तो एक लिख के कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 6 7, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर इतना है, अब इससे डिवाइड करते हैं कितना जीरो शिफ्ट करेगा, देखिए 2 8 3 7 1 2 3 यहाँ पर कितना अंक घट रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यही हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लग रहा हो 19 में जादू कर दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन फिगर ए बी एंड सी डी, देखिए मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है क्या चीज, लेंथ सी डी का लेंथ निकालना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाइएगा। देखिएगा एक सर्कल होता है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि ए सी जो होगा वह इक्वल होगा किसके, सी डी के, और हम ऐसे भी तो बोलेंगे कि बी सी भी इक्वल होगा किसके, सी डी के। दैट मीन्स अगर दोनों का कम्बिनेशन देखें तो हम क्या पाएंगे कि ए सी जो होगा वह बराबर होगा किसके, बी सी के। चल चलिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरे पास दिया हुआ था 8 है, क्या दिया हुआ था 8, और यहाँ से यहाँ तक अगर ए मान ले तो यहाँ से तक मेरे पास मेरे हिसाब से 8 - a बच जाएगा, तो ए सी ए माने तो बी सी मेरे पास बच जाता है 8 - a, और ए माइनस इधर आके हो जाता है प्लस ए बराबर 8, और ए ए जोड़ के 2a बराबर 8 आ जाता है, और इस प्रकार हमें a का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 4, a का वैल्यू में मिलता है 4, और a माने थे ए सी को, ए सी इतना बड़ा, उतना बड़ा क्या चीज़ है, सी डी भी है, तो सी डी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो यही मेरा होगा फाइनल आंसर।